ये जो आज का टॉपिक मैं आपको न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूँ ना दोस्तों, बहुत ही यूनिक टॉपिक है। मैं नहीं समझता सो कोई आपको बताएगा या आपको कोई समझा पाएगा या आपको कोई इस बारे में बात भी करेगा, क्योंकि ये थोड़ा यूनिक है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि न्यूज़ का इम्पैक्ट कैसे आता है, न्यूज़ कैसे बनाई जाती है और न्यूज़ कब आपके सामने आती है, क्योंकि न्यूज़ जो है वो बहुत ही बड़ा रोल इम्पैक्ट करता है मार्केट के ऊपर, आपने जो स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ उसके ऊपर, आपके ट्रेडिंग प्लान के ऊपर, आपकी होल्डिंग के ऊपर, आपके पोर्टफोलियो के ऊपर, सब चीज़ों को लेकर के जो न्यूज़ है वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो आपको मैं कुछ चीज़ें ऐसे बताने वाला हूँ जिससे आप थोड़ा प्रिपेयर हो सकते हैं, अपने आप को सेव करके चल सकते हैं कि आपको इस टाइप की न्यूज़ मिली तो आपको किस तरीके से डिसीजन लेना है। क्योंकि ये आप भी जानते हैं, जब भी किसी स्टॉक का अच्छा रिजल्ट आता है, चलो बुरा रिजल्ट आया समझते हैं कि प्राइस गिरा है, पर अच्छा रिजल्ट आया है उसके बाद भी भाव गिरा है तो उसका क्या मतलब है, कोई सेंस है? अगर किसी स्टॉक का जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा है कि उस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, उस कंपनी ने इतनी अच्छी ग्रोथ की, उसके बाद भी इसका भाव गिर रहा है, क्या मजाक हो रखा? तो अगर वो आपके माइंड में आ गया कि भाई ऐसा अगर सिनेरियो आएगा तो मेरे को नहीं लेना, क्योंकि जब भी रिजल्ट आता है या जब भी इसकी अच्छी न्यूज़ आती है तो प्राइस गिर जाता है। पर कई बार ऐसा होता है कि जब आप उस न्यूज़ को इग्नोर कर देते हो कि नहीं यार मेरे को पता ये नहीं बढ़ेगा ये गिरेगा ही, आप जैसे ही उस न्यूज़ को निग्लेक्ट करते हो, इग्नोर करते हो, और उसी स्टॉक प्राइस का जो भाव है वो बढ़ता चला जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। कई बार अक्सर देखा है कि जब न्यूज़ आती है उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट दिखता है बाजार के अंदर, और कई बार ऐसे होता है कि उसका अच्छी न्यूज़ आने के बाद भी जो भाव है बाजार के अंदर प्राइस जो है वो गिरता है। ऐसा होता क्यों है वो मैं आज आपको समझाऊंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि किस तरीके से आपने एक्शन लेना है। दोस्तों जब भी मार्केट में, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आई, गिरावट आई, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, सारे के सारे बेरिश होना शुरू हो गए, सारे के सारे मतलब सबको था कि मार्केट यहाँ से ख़त्म हो जानी है, क्योंकि यहाँ से मार्केट में कुछ बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर माहौल ख़राब है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट धीरे 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 ऊपर चलनी शुरू हुई, यहाँ तक कोई ऐसी आवाज नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, सब बेरिश, सब के सब बेरिश के अब मार्केट गिरी, अब गिरी, अब इसने यहाँ पे इतना बाउंस ले लिया, चलो इसने इतनी रिट्रेसमेंट ले ली, ये अब गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी, धीरे धीरे सरकती सरकती और ऊपर आगे खड़ी हो गई ऑल टाइम हाई के आसपास, कि अब गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी, ऑल टाइम हाई के आसपास आगे खड़ी होगी। यहाँ पर भी लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि यहाँ पे इतनी ऊपर मार्केट आ कैसे गई, अगर आ गई है तो ये अब गिरेगी गिरेगी, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर। और जब यहां पे कहीं आई तब जाकर के न्यूज में बात होनी शुरू हो गई कि हमारा इंडिया मार्केट बहुत ही हाई फाई है, इंडिया के स्टॉक्स जो है वो बहुत ही जबरदस्त मूव करेंगे, बहुत ही अच्छा काम करेंगे, ये होगा वो होगा फलाना ढिमकाना आपने सुना ही है। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, जब भी मार्केट एक बॉटम बनाती है, जब नीचे होती है, वहाँ पर कभी भी रिटेलर्स को या ट्रेडर को बिलीव नहीं होता कि यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी, तो जब तब उस टाइम पे जो भी मीडिया कवरेज होती है वो उस स्टॉक को या उस चीज़ को वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं करती, वो वहाँ से दूर होती है, उसको पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। जब वो मार्केट होकर के ऊपर आ जाती है, वहां पर कोई तेजी दिखाती है, वहां पर कोई अपनी ट्रेंडिंग मूव दिखाती है, जब वहां पर कोई इंपल्स बनती है, वहां पर आने के बाद लोगों की निगाह में आना शुरू होता है वो स्टॉक, तब जाकर के उसके बारे में न्यूज बननी शुरू होती है, तब जाकर के लोग उसके बारे में बात करना शुरू करते, उससे पहले उसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा होता। तो न्यूज जो है वो तब आती है जब उस स्टॉक का प्राइस भाव काफी हद तक बढ़ चुका होता है। अब दूसरा इम्पैक्ट कब आता है कि जब अच्छी न्यूज़ आती है तो वो चलता नहीं, नीचे गिर जाता है, और कई बार अच्छी न्यूज़ आती है तो हम इग्नोर करते हैं, वो चल पड़ता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? दोस्तों जब भी मार्केट एक अपने इम्पल्स मूव ख़त्म करेगी ना, जैसे वो एक इम्पल्सिव मूव में है, एक अपने ट्रेंडिंग मूव में है, उसके बाद वो अपने करेक्शन फेज में है, जिस स्टॉक का रिजल्ट उस स्टॉक के करेक्शन के अंदर आ रहा है तो आप ये समझ लीजिएगा वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी करेक्शन कर रहा है। आप लॉजिक को समझ रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं। अगर वो स्टॉक ट्रेंडिंग में है, इंपल्सिव में है,
अपने अप ट्रेंड में है और वहां पर आने के बाद उसी स्टॉक का रिजल्ट आता है कि वो उसने ग्रोथ करी है, उसने अपना प्रॉफिट किया है, या उसके रिगार्डिंग कोई अच्छा चेयरमैन आया है, या उसके रिगार्डिंग कोई अच्छी चीज हुई है, तो वहां पर वो डबल स्पीड से बढ़ता है। और जब वो करेक्शन के अंदर होता है तो वहां पर जितनी भी अच्छी न्यूज आ जाए, चाहे वो कितने मर्जी अपनी ग्रोथ दिखा ले, तो वो अपने करेक्शन जब तक खत्म नहीं करेगी वहां पर उसकी तेजी नहीं आएगी। हो सकता है आपको एक न्यूज आई, आपने उसके अंदर तेजी बनी, आपने एंट्री करी, तो वहां पर उसने करेक्शन का कोई एक अपना फेज खत्म किया और दोबारा वो नीचे अपने डायरेक्शन में चली गई, क्योंकि उसका जो ट्रेंड है, जो उसकी डायरेक्शन है, वो अपनी करेक्शन है, डाउन साइड की है, तो वो अपनी डायरेक्शन के अंदर दोबारा एंटर करके आप वहां पर फंस जाते हो। आपको यह था कि मेरे को न्यूज भी पता लग गई, मैंने टाइम से खरीद भी लिया, और वक्ती तौर पर वो कई बार ऊपर भी जाता है, आप बिल्कुल ठीक होते हो, पर उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ जाना शुरू होता है, एक्चुअल में वो अपनी करेक्शन कर रहा होता। तो जब भी स्टॉक होगा या कोई भी इंडेक्स होगा, जब भी वो अपनी करेक्शन मोड में है, करेक्शन पीरियड के अंदर है, वहां पर उसका न्यूज का इंपैक्ट ज्यादा नहीं आएगा। थोड़ा बहुत इंट्राडे के अंदर कोई भी पैटर्न बना रहा हो तो वहां पर वो आ सकता है, कोई इशू नहीं है। बट अगर आप बोले कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को मिलना चाहिए था पर नहीं मिला, तो उसका कारण यही है कि वो करेक्शन फेज में है, और वही स्टॉक कोई और हो जो ट्रेंडिंग मूव में है और वहां पर रिजल्ट आ जाता है, वहां पर कोई उसकी अच्छी न्यूज आती है, तो वहां पर वो डबल स्पीड पे काम करता है, क्योंकि वो अपनी ऑलरेडी डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कि जब भी न्यूज आती है हमारे को कहां पे इंपैक्ट करना है, कहां पे नहीं करना। अगर आप देख रहे हैं कोई चीज अपने स्टॉक जो अपने करेक्शन के अंदर है, तो वहां पर आपको उसको थोड़ा सा निग्लेक्ट करना है। इंट्राडे में कोई भी आपको दाव मिलता है, स्विंग ट्रेड आपको मिलता है 2-3 दिन का, आप वहां ले सकते हैं, बट आप उसको लेकर के होल्ड नहीं कर सकते कि यहां पर इसका स्टॉक का जो है वो रिजल्ट अच्छा आया, मैं इसको होल्ड कर लूं, अभी आगे कंटिन्यू रहेगा, ऐसा नहीं है। जब तक वो अपनी करेक्शन करेगा तब तक वो करेक्शन ही करेगा, ऐसा नहीं है कि उसका रिजल्ट अच्छा है तो उसकी करेक्शन खत्म हो जाएगी, ना। उसने जो अपनी मूवमेंट करनी है, क्योंकि ऑलरेडी वो पीछे भाग के आया हुआ है, वो अपनी ट्रेंडिंग मूव करके आया हुआ है, अपनी स्पीड बनाकर के ऊपर आया हुआ है, तो आपको नहीं पता लगा, बट जब उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा, ग्रोथ कर रहा था, तो इन अंदर खाते वो अपनी ट्रेंडिंग इंपल्स में ही था, वो बना रहा था, पर हमारे को नहीं पता लगा। पर जब तक हमारे को पता लगा वो अपनी करेक्शन के अंदर एंटर कर गया। तो हमारे को जो है वो पता बाद में ही लगता है, क्योंकि हमारे को बताने वाला कौन है? मीडिया। तो मीडिया तभी जज करेगी, क्राउड तभी जज करेगा जब उसका भाव बढ़ चुका होगा, तेजी के अंदर आ चुका होगा। आप बहुत लोग देखते हैं कि मेरे को मल्टी बैगर क्यों नहीं मिल पाता, मल्टी बैगर स्टॉक हम क्यों नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि जब वो मल्टी बैगर बन रहा होता है तब तक तो उसके बारे में न्यूज ही नहीं आती, बट जब वो बन जाता है फिर उसके बारे में सब बात करना शुरू करते हैं, यार ये तो मल्टी बैगर है, क्योंकि उस टाइम तो वो अंदर नीचे से अपनी इंपल्स बना रहा होता, ट्रेंडिंग मूव के अंदर होता, तो लोगों को पता भी नहीं होता। अगर आप इलियट वेव समझ जाते हैं, पैटर्न के सिस्टम को समझ जाते हैं, तभी आप जो है अपने इंपल्स मूव को पहचान पाएंगे। तो उससे क्या होगा, आप अपने आने वाले मल्टी बैगर्स हो, आने वाले जो भी मोमेंटम के जो स्टॉक्स हो, करेक्शन करके खत्म हो गए जो निकल रहे हैं, आपका दाव जो है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उन्हीं पे लगे, तो ही आप इस मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि होगा क्या, आपने ट्रेंडिंग मूव में पैसा कमाया, करेक्शन में वो पैसा गवा दिया, क्योंकि मार्केट वहां खड़ी है, आपने वहां पे मल्टीपल ट्रेड लिए ऊपर नीचे, आपको लगा मार्केट तो कहीं जा ही नहीं रही, वहां पे आपने पैसा लूज कर लिया, बट आपको ये पता होता कि यार मेरे को पैटर्न की कंफर्मेशन मिल गई है, तो मैं यहां पे एग्जिट हो जाऊं। इसके ऊपर दोस्तों मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं, पैटर्न कंफर्मेशन की वीडियो, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, वो आपको काफी हेल्प दे सकती है जब भी आप ट्रेडिंग डिसीजन ले रहे हैं। तो मार्केट का जो सिस्टम है वो यही है कि मार्केट जो आपको जो न्यूज है वो आपको हमेशा बाद में पता लगेगी। कहते ना कि बाय द रूमर सेल द न्यूज, तो न्यूज जो है वो हमेशा आपको बाद में ही आएगी, ये आप समझ लीजिए, वो हमेशा ही आपको बाद में मिलेगी, पर आपको ऐसा लगता है कि न्यूज मेरे को सबसे पहले पता लग गई, अब मैं तो यहां पर खरीद लूँ, अच्छी न्यूज आई है, मैं तो खरीदा बनता भी है, बट आपको वहां पर क्या देखना है, अगर वो ट्रेंडिंग में है आप फौरन बाय कर लीजिए, आप उसको होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप वो अपनी डायरेक्शन में बाय कर रहे हैं। अगर उसका रिजल्ट अच्छा आया है बट वो करेक्शन के अंदर है, तो वहां पर आपको उसको थोड़ा इग्नोर करने की जरूरत है। अगर आप वहां बाय कर लेते हैं तो दोबारा वो नीचे चला जाएगा, आप वहां पर ट्रैप हो जाएंगे साथ ही साथ में, या फिर आपको काफी लंबा टाइम उसको होल्ड करना पड़ेगा जब तक उसकी करेक्शन ना खत्म हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्टॉक खराब है, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं, जब तक उसकी करेक्शन चल रही है तब तक आप इससे बाहर रहें,
करेक्शन करके निकलता है स्टॉक अपने नए ट्रेंडिंग मूव में, तब आप उसके अंदर दोबारा एंट्री बना लें। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई हो, पसंद आई हो। दोस्तों पसंद आया लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस टाइप की मैं आगे कंटेंट आप तक भेजता रहूँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।